इसी कैंप में आज हमारी रात होने वाली है, और उधर आप जहाँ पे देखोगे तो वो हमारा बाथरूम है, वहाँ जाके हम लोग चमत्कार करेंगे जो किसी को दिखा नहीं सकते हम लोग की क्या करेंगे। तो भाई चैन वर्सेस वाइल्ड क्या हुआ, रुक क्यों गए भाई? ये तो अभी तो आए हो वाइल्ड में, चलो चलो। सो गाइस फाइनली वी मेड इट टू नाग टिबा ट्रेक समिट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग हैं अभी मसूरी में और हम लोग अभी निकल रहे हैं पंतवारी विलेज के लिए। हमारी बाइक ऊपर कहीं लगी हुई है। मसूरी से मैं जा रहा हूं अपने पहले ट्रैक पे, जो है नाग तिब्बा ट्रैक। ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रैक उत्तराखंड का सबसे आसान ट्रैक है बिगिनर्स लेवल का। ट्रैक स्टार्ट होती है पंतवारी विलेज से, जहाँ तक आप बाइक कैब या बस से बहुत ही ईजिली पहुँच सकते हैं। देहरादून से मसूरी, केम्प्टी फॉल, फिर पंतवारी विलेज। डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और इसे कवर करने में आपके 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं पंतवारी विलेज में। ये हमारा जो ऑफिस है ये है पवार रेस्टोरेंट के पास। और भाई कैसा रहा? गोल 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 सला सर, अभी तक घूम रहा है मेरा, थक गया पहुँचते पहुँचते। अभी पहाड़ क्या चढ़ेंगे, वो देखो वो वहाँ चढ़ना है। अभी हम लोग गेस कर रहे हैं कि कौन सा पहाड़ चढ़ना है, ऐसा ही कुछ होगा। कोई गेस नहीं है, यही चढ़ना है। तो यहाँ से बेस कैंप हमारा 8 किलोमीटर है, तो आज का 8 किलोमीटर होगा, सनसेट के पहले तक वहाँ पहुँचना है, और कल का 8 किलोमीटर होगा, मतलब पूरा मिलाकर 16 किलोमीटर। वहाँ पे हमें कुछ लोग भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये है भाई लोग हमारा लंच, और ये लंच में आप लोग देख सकते हो चावल है, दाल है, और यहाँ पे सब्जी मिली है आलू की। तो अभी हम लोग हैं या ट्रेकर्स के ऑफिस में। यहाँ से यहाँ पे हम लोग का जो एक्सेस लगेज था, ये दोनों बैग ये छोड़ रहे हैं, और वहाँ पे एक एक छड़ी हम लोग ले रहे हैं ताकि ट्रेक करने में आसानी हो। पैकेज में है और ये पैकेज में है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हमें एक हेड टॉर्च भी हमने लिया है, जो कि 50 पर हेड टॉर्च चार्ज है। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं इस पॉइंट पर, आप देख सकते हो इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर कि आप आकर अपना अगर बाइक से आए हो या स्कूटी से आए हो तो पार्क कर सकते हो। ये पंतवारी विलेज से करीब 6 किलोमीटर ऊपर है। रास्ता टोटली ऑफ रोडिंग का है, रास्ता एकदम सही नहीं है, तो अगर आप अच्छे से बाइक चला लेते हो तभी यहाँ तक बाइक से आओ, वरना ट्रैक वाला रूट अपनाओ। और हमारे जो गाइड है वो कुछ देर में यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम लोग साथ में ट्रैक वाला रूट लेकर ऊपर नाग टिब्बा बेस कैंप की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारे ट्रैक गाइड है, नाम बताओगे सर आप अपना? सुरेश सिंह नाम है इन्हें, ऐसे वैसे हम लोग मामा जी कहकर बुला रहे हैं इन्हें। तो भाई चैन वर्सेस वाइल्ड क्या हुआ, रुक क्यों गए भाई? ये तो अभी तो आए हो वाइल्ड में, चलो चलो। पहुंच गए भाई, थोड़ा सा ही रह गया। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, वी डन, पहुंच गए भाई। ओए होए, ओए होए होए होए, कहीं तो पहुंच गए। हो जो टेंट को पहले छुआ टेंट उसका। तो चैन भाई इधर आओ, और ये देखो भाई ये हमारा कैंप, एक सेकंड स्टे करने वाले हैं। वो हमारा बाथरूम है, वहां पे हम लोग फ्रेश होने जा सकते हैं, कुछ करेंगे। हाँ कुछ वहाँ जाके हम लोग चमत्कार करेंगे, जो किसी को दिखा नहीं सकते हम लोग की क्या करेंगे, बट भाई वो बहुत काम की चीज़ है, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। तो थोड़ा मैं फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फ्रेंड्स वी फाइनली मेड इट टू नाग टिब्बा बेस कैंप। थोड़ी सांस फूल रही है, और ये देख सकते हो मेरे पीछे कैंप लगे हैं। हमने पंतवारी से ट्रैक स्टार्ट की थी बाइक से करीब 2:30 बजे, और बाइक पार्क करने वाली एरिया पे वो करीब 6 से 8 किलोमीटर है पंतवारी से, वहाँ पे पहुँचे 3:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 4:40। तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक हमने ये बेस कैंप तक का पूरा किया है, वो भी 1.5 घंटे में। स्पीड अच्छी थी हमारी, लगेज भी थी, मेरे पास एक बड़ा बैकपैक था 60 लीटर का, वो भी फुल। और यहाँ पे सूरज भाई हमें अपना टेंट दिखाते हुए, ये 2 लेयर होता है, ये अंदर देखिए स्लीपिंग बैग भी है अंदर।
और मेरे लिए टेंस होता है। और ये इतने लंबे कि देखो इनका पैर बाहर आ रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो दो स्लीपिंग बैग मिलती है। आइए, एक डिग्री माइनस एक डिग्री आराम से। अच्छा, ये झेल जाएगा? हाँ हाँ, मतलब हमें ठंड नहीं लगने वाली रात को, है ना? एक एक्स्ट्रा है ये माइनस के लिए है। अच्छा, आपको बॉडी टेम्परेचर रखेगा। तीन लोग आराम से आ सकते हैं एक टेंट में। स्लीपिंग बैग बस दो दिया गया है। हाँ, बीच में भी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैट है ये। ठीक है, क्योंकि मेरे को लास्ट ट्रैक में एक्सपीरियंस है, नीचे का मैट बहुत सॉफ्ट था। अच्छा, तो हमें ठंड लग रही थी नीचे से ना कि ऊपर से। तो हमारी रात कैसी बीतने वाली है ये बताओ। रात अच्छी बीतने वाली है यार, बस देख लो। रात में पता चलेगा, एक डिग्री टेम्परेचर होगा और माइनस वन भी जा सकता है। और ये टेंट जैसा कि देख सकते हो केचुआ का है ये। सनसेट होते ही हमें इवनिंग स्नैक्स दी गई जिसमें चाय और पकोड़े थे। फिर बॉन फायर लगाई गई और उस रात हम जल्दी सो गए क्योंकि अगले सुबह जल्दी उठनी थी। तो दोस्तों अब वक्त हो गया सोने का, टेंट को बंद किया जाए। ये हो गई बंद। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। अरे यार क्या टाइम हो गया, अभी अलार्म बज रहा है। ओफ, 2:22 उठना होगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों की सुबह हो गई है और ये 3 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रही है। देखो चाय है और मैगी है, और इधर सूरज भाई को देखो उठकर है। कैसा है मैगी बताओ? घर में भाई जीत जल रही है। मजा आ रहा ठंडा ठंडा में। अभी टाइम हो रही है 3:15, अभी 10 मिनट में हम लोग मैगी और चाय पीकर निकलते हैं ट्रैक पे उधर कहीं। ट्रैक फिर से स्टार्ट करते हुए बेस कैंप से हम जा रहे हैं नाग तिब्बा टेंपल की ओर, और यहाँ है प्रवेश द्वार नाग तिब्बा पैदल मार्ग। आगे है ट्रैक गाइड सुरेश जी और हम लोग हेड टॉर्च लगा रखे हैं, देख सकते हो इधर से देखो आप। हाय, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मंदिर के बेस कैंप पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लोगों की टेंट लगी है वहाँ पे, और ये वाटर रिजर्वायर है। मंदिर के बाद की चढ़ाई बहुत ही स्टीप हो जाती है दोस्तों, तो जहाँ मंदिर के बाद शायद 1 से 1.5 किलोमीटर ही है पीक, लेकिन चढ़ने में 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों इतना चलने के बाद अब शायद हमें पीक नज़र आ रही है। यहाँ पीछे देखो, दिखाता हूँ, उधर कहीं पीक होना चाहिए। सब लोग पीछे ही, सारे लोग पीछे ही रह गए। बर्फ, पानी जो है जम गई है, मतलब है कि हम लोग पीक पे हैं। वहाँ गोल्डन गोल्डन हो रखा है, मतलब है कि सनराइज़ हो रखी है, और वहाँ पे झंडे नज़र आ रहे हैं, वो हमारा पीक है। और नीचे देखो लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया है। ये वाइट जो आप देख रहे हो ये स्नो है जो कि पत्तियों पे जमी हुई है। जो ओस होती है ना रात को, जो ओस गिरती है, वो इतने कम टेम्परेचर में धूप नहीं लगने की वजह से बर्फ बन जाती है। सूरज की पहली किरण और वो रहा हमारा पीक। सो गाइस, फाइनली वी मेड इट टू नाग तिब्बा ट्रैक समिट। दिस इज द समिट एंड हियर दिस इज द लैंडस्केप नियर बाय। सो अभी हम लोग लौट रहे हैं।
समिट आते वक्त हमें थोड़ी लेट हो रही थी, तो सनराइज कैच करना था, तो हम लोगों ने नागटिब्बा टेम्पल स्किप कर दिया था। तो अभी शायद हम लोग नागटिब्बा टेम्पल होते हुए नीचे जाएंगे अपने बेस कैंप। ऊपर में बहुत ही सर्द हवाएं चल रही थी, और ये देखिए पीछे का लैंडस्केप, ये जो वाइट वाइट देख रहे हो यहाँ पे, ये सारा स्नो है, और यहाँ से हमारा रूट जाता है, और फिर से लौटना होगा। और ब्रो कैसा लगा नागटिब्बा सबमिट कंप्लीट करके? बढ़िया भाई, बस बढ़िया। थक गए अभी, वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत थक गए दोस्त, ऊपर जाकर ना सारे पस्त हो गए, लेकिन हिमालय देखने का ऐसा नज़ारा सबको नसीब नहीं होता। वो तो है, ऐसे फिल्मों में भी नज़ारे नहीं है, ऐसे नज़ारे हैं। चलो बाहर तो आ जाओ मिस्टर वाइल्ड। दोस्तों आपको पूरे ट्रैक पे यहाँ पे पुदीने के पौधे मिलेंगे, ये देख सकते हो, ये पुदीना है। इसे मैं थोड़ा तोड़ लेता हूँ, इसका जूस वगैरह बना सकते हैं, पेट में ठंडक पहुँचाएगी। ये है दोस्तों नागटिब्बा टेम्पल। सुबह में जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो रात थी, और हमें सनराइज़ भी कैच करनी थी, इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं आए थे। तो अभी 12 बज रहे हैं और हम लोगों ने लंच कर लिया। लंच में चावल और राजमा था, और हम लोग अभी बेस कैंप से नीचे जा रहे हैं ट्रैक करके पंतवारी, वहाँ पे हमारा बाइक लगा हुआ है। नागटिब्बा बेस कैंप हम करीब 12 बजे ऊपर निकले थे, और यहाँ पे बाइक पॉइंट के पास पहुँच गए 1 बजे, तो करीब 1 घंटा लगे हमें ये डिस्टेंस कवर करने में लौटते वक्त, और ये डिस्टेंस करीब 2.5 किलोमीटर के लगभग है। तो अब चलते हैं पंतवारी विलेज। तो दोस्तों हम अभी पहुंच गए यहाँ पे पंतवारी ऑफिस में, वक्त हो रहा है करीब 1:50। अगर इस ट्रैक से रिलेटेड आपको आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस ट्रैक को अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट करें, मैं आपको सारा डिटेल्स दे दूँगा और नंबर दे दूँगा जिनसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। प्राइस की बात करें तो 1400 पर पर्सन है फ्रॉम पंतवारी। बाकी का डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।